नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा कार्यालय में सीएम ने की प्रेस वार्ता, चुनाव की रणनीति पर भाजपा के आला नेताओं से की चर्चा। हरियाणा में 14 और लोगों की हुई मौत, मरने वालों की संख्या हुई 1562। नाराज आढ़तियों ने जमकर काटा बवाल, मार्केट कमेटी सचिव का फूका पुतला। और अब समाचार विस्तार से। 3 नवंबर को होने वाले बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी के चलते हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर शनिवार को गोहाना पहुंचे। सीएम ने यहां प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये तो अपने घर में ही चौधर लिए बैठे हैं। बाबू बेटा पहले 2 लोकसभा चुनाव हार गए और जब राज्यसभा की बारी आई तो पूरे हरियाणा में कोई और नेता नहीं मिला, फिर दीपेंद्र को राज्यसभा भेज दिया। सीएम मनोहर लाल खट्टर से जब उम्मीदवार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया गया है, जल्दी इस पर फैसला किया जाएगा। हरियाणा में संक्रमण घटने के साथ अब एक्टिव मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। हरियाणा में 10,830 मरीजों का इलाज चल रहा है। हरियाणा में 1,250 नए मामले सामने आए तो एक दिन में तो 1,273 लोग ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ हरियाणा में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,39,932 हो गई है। वहीं 1,27,540 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 24 घंटे में 14 नई मौतें हुई हैं। वहीं हरियाणा में महामारी से मरने वालों की संख्या अब 1,562 हो गई है। रक्तदान महादान है। रक्तदाता किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में भी सक्षम होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक कदम रोशनी की समिति ने एक अनूठी पहल करते हुए आपातकाल स्थिति में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को सम्मानित किया। नेत्रदाता स्वर्गवासी धर्मपाल की याद में उनकी तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया है। करनाल मोड़ रोड और एक्सिस बैंक के सामने उस समय चीख बुखार मच गई जब साइड में खड़ी एक महिंद्रा कार को पीछे से आ रही बेलाना कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लोग अपनी दुकानों से बाहर आ गए। गृहमंत्री ने कहा कि इस हादसे में कार में सवार व्यक्तियों का नुकसान नहीं हुआ और लोगों को गंभीर चोटें नहीं आई। वहीं इस हादसे में रोड के बीचों बीच लंबा जाम लग गया, जिस मौके पर पुलिस ने पहुंच कर खुलवा दिया है और कार को क्रेन की मदद से उठा लिया गया है। वहीं इस हादसे को लेकर पुलिस मामले की जाँच में जुट चुकी है। एक्सीडेंट हुआ है, बर्बादी है या पीड़ित है, जो भी है, किस कारण हुआ एक्सीडेंट, अभी कब तीस चल रही है, अभी बातचीत नहीं हो सर। एक गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर सड़क पर, इस पे टक्कर मारी है तो गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि पार्किंग जोन नहीं है ये। देखते हैं जी, अभी आए हैं, अभी हालात नहीं पता भाई, उस गाड़ी का मालिक कौन है, इस गाड़ी का मालिक है, बातचीत से जैसा भी होगा आपको बता। महामारी काल के चलते इस बार राष्ट्रीय बाल महोत्सव डिजिटल मंच पर आयोजित किया जाएगा, जिसके चलते आज जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बाल भवन में ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इसमें बच्चे अपना 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाकर अपलोड कर निशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑफलाइन संपर्क के लिए मोबाइल नंबर जारी किया गया है ताकि पोर्टल पर यदि कोई परेशानी आती है तो अभिभावक सीधे संपर्क कर सके। आज हमने हमारे यहाँ जो बाल दिवस आने वाला जो बाल दिवस है 14 नवंबर को, उसके उपलक्ष्य में जो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, हरियाणा स्टेट चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल जो है, उसके उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय एक बाल महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। और वैसे हर बार फिजिकली होता था, इस बार कोविड के चलते ऑनलाइन बाल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और करनाल जिले की जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल है, जिला बाल कल्याण परिषद, वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके एक्टिविटीज़ करवा रही है। और उसके अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबसे बताना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन बाल महोत्सव है ये 1 महीने चलेगा और नवंबर में 14 नवंबर को जो बाल दिवस है उस दिन कंक्लूड होगा। इसमें विभिन्न 23 कैटेगरीज़ में 23 तरह की एक्टिविटीज़, 23 एक्टिविटीज़ इसमें शेड्यूल की गई हैं। उदाहरण के तौर पर निबंध लिखना है, पेंटिंग है, डांस कॉम्पिटिशन्स है, सिंगिंग है, और टोटल 74 ग्रुप्स बनाए गए हैं एज ग्रुप्स के हिसाब से। कोरोना में डेंगू का केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने एरिया के सर्वे किया है। दरअसल शहर की तेलू सिंह कॉलोनी के 37 वर्षीय रवि को डेंगू की पुष्टि हुई है। इसका इलाज करनाल के निजी अस्पताल में चल रहा है।
वही डेंगू के मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है। गरुंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुनेश गोयल के निर्देश पर 5 टीमें लोगों के घरों में एंटी लार्वा एक्टिविटी चला रही हैं ताकि इस खतरनाक बीमारी को फैलने से रोका जा सके। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गरुंडा में जो डेंगू के केस आए हुए हैं, बिल्लू राम कॉलोनी में रवि नाम का लड़का था, तो इसके उसमें हमने एक आज सर्वे शुरू किया है जिसमें हमारे गरुंडा की 15 आशा वर्कर 60 ट्रेनिंग पर आए हुए MPAW और 3 हमारे जो MPAW हैं, हमने कुल 5 टीमें बनाकर आज गरुंडा का सर्वे करवा रहे हैं ताकि गरुंडा के निवासियों को डेंगू बुखार ना आए और यहाँ और कोई भी केस ना निकले। रायपुर अन्य क्षेत्र के गांव बागवाला से रसीदपुर के लिए बनी सड़क को बने अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन सड़क की हालत अभी भी जर्जर हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर सड़क बनाए जाने के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग होने से सड़क टूटनी शुरू हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस नेता बहादुर राणा सहित कई ग्रामीणों ने सड़क को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। निसिंग मार्केट कमेटी सचिव से नाराज आड़तियों ने शनिवार को कमेटी गेट पर जमकर बवाल काटा। सचिव पर रिश्वत मांगने संबंधित गंभीर आरोप लगाए गए और उनका पुतला फूंका गया। इसके बाद 11 मेंबरों की एक कमेटी का गठन किया गया जो मार्केट कमेटी सचिव निसिंग से बातचीत कर आगामी रणनीति तैयार करेगी। उचारा बाईपास लिटानी रोड पर बने शिविर में पानी की निकासी न होने पर आसपास के लोग काफी परेशान हैं। वहीं वार्ड नंबर 1 के चेयरमैन ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार एसडीओ व अन्य अधिकारियों को की जा चुकी है, लेकिन समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ है। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द इस सीवर के पानी की निकासी और जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।